राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। प्रकृति के लिए सभी समान हैं, वहां सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। प्रकृति का भंडार सभी के लिए समान रूप से खुला है, वो सबको आवश्यकता अनुसार प्रकाश, जल, वायु तथा खाद्य प्रदान करती है। वो किसी का शोषण नहीं करती है, किसी को धोखा देकर कुछ भी संचित नहीं करती, किसी के हिस्से में बंटवारा नहीं करती। प्रकृति का ये नियम ही साम्य नीति का वास्तविक आधार है। वेद की साम्य नीति यही निर्देश दे रही है, जिससे सभी समान अधिकार लेकर समाज में शांति से रह सके, आवश्यकता अनुसार हर वस्तु प्राप्त कर सके। प्रकृति का वास्तविक धर्म ही वेद का धर्म है। इसकी हर बात वास्तविकता पर आधारित एवं तर्कसंगत है। एकनिष्ठ कर्म के माध्यम से समाज की उन्नति करना, समान रूप से सभी के प्रतिपालन की व्यवस्था करना ही वेद की पहली बात है। देश की जो भी संपत्ति है, उसका आवश्यकता के आधार पर सभी में समान रूप से बंटवारा करना होगा। कोई क्षुद्र जीव भी इससे वंचित ना रहे, कोई भी आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करेगा। प्रकृति की समता की मूल नीति है। इस समाज में जो अभाव उत्पन्न करेगा, आधिपत्य जमाने की कोशिश करेगा, उनका कठोर विरोध करना होगा। समता और प्रसारता पर आधारित वेद की साम्यता को समाज में स्थापित करने के लिए प्रकृति से संपर्क बनाए रखकर प्रकृति के नियमानुसार ही कार्य करना होगा। दल अथवा संप्रदाय के स्वार्थ या निजी स्वार्थ की बात सोचने से नहीं चलेगा। अर्थनीति हो या समाज नीति अथवा धर्म नीति, सब ओर से सभी को सजग करना होगा। यदि सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक सुर में चलें, तभी साम्य का सुर और उसकी आवाज जागृत होगी। देश में शांति लौटाने के लिए समाज की बुराइयों को मिटाकर जाति को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रकृति की साम्य नीति के माध्यम से ही सत्य और न्याय की स्थापना करनी होगी। साम्य नीति ही आध्यात्मिक नीति है, अतः समाज में फिर से साम्य नीति स्थापित करना हो तो आध्यात्मिकता के माध्यम से उसकी नींव को मजबूत करना होगा। वेद तथा कुरान के माध्यम से उसका प्रचार करना होगा। इसके लिए आवश्यकता है जन जागरण की। वेद के व्यापक धारा के वास्तविक कार्यान्वयन की, समाज की आंखों में उंगली डालकर दिखा देना होगा कि किस तरह एक वर्ग विशेष के स्वार्थी लोगों के षड्यंत्र से समाज में अभाव एवं असमानता बढ़ रही है। धर्म के नाम पर, शिक्षा के नाम पर आज समाज में जो कुछ चल रहा है, वही साम्य नीति की स्थापना के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। इसीलिए मुखौटा उतारकर
इन्हें जनता के समक्ष लाना होगा, सत्य के असली स्वरूप से सबको अवगत कराना होगा। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है जन जागरण के मार्ग को संस्कार मुक्त करना, सजगता के मार्ग पर सबको जागृत करना। सजगता या जागरूकता ही सच्चा आंदोलन है। जनता के सचेत होते ही समता की अड़चनों या बाधाओं को दूर किया जा सकता है। तब समाज में समता स्थापित होने में देर नहीं लगेगी। प्रकृति की इस साम्य नीति को स्थापित कर आज के व्याधिग्रस्त समाज को विषमुक्त करने के लिए वेद की छड़ी के आघात से ही इस विष को बाहर निकालना होगा। समाज में चल रहे भ्रष्टाचार की खबर के फैलने पर सभी जाग उठेंगे और आंदोलन अपने आप शुरू हो जाएगा। इसी विद्रोह के माध्यम से साम्य नीति और संभाव स्थापित होगा। जिस नीति की गति स्वच्छ, सरल, संस्कार मुक्त तथा व्यापक है, जिस नीति में जाति, भाषा या देश संबंधी कोई भी विवाद नहीं है, वही साम्य नीति है। इसीलिए शत्रु मित्र सभी इस नीति का समर्थन करेंगे। प्रकृति की साम्य नीति का सुर सभी जीवों में जन्मजात तौर पर है। वो सबकी धमनियों में प्रवाहित हो रहा है। सबका लहू लाल है। सबके अधिकार समान है। संस्कारों में आबद्ध होने की वजह से ही आज हम इस स्वच्छ नीति के स्वाद को भूल चुके हैं। प्रकृति की स्वच्छ धारा में चिर प्रवाहित साम्य नीति के सुर का पता पाते ही सभी आकर हाथ मिलाएंगे और फिर ज्ञान का एक बड़ा आंदोलन आरंभ होगा। साम्य नीति में तर्क और समता की बात है। उसमें शोषण या संचय, धनी गरीब की विषमता या जाति और वर्ग के भेद जैसी कोई बात नहीं है। उसकी नीति के अनुसार केवल एक वर्ग होगा तथा सबका हर वस्तु पर समान अधिकार रहेगा। साम्य नीति और साम्यवाद की धारा सबके अंतर में विद्यमान है। हर प्राणी शोषण मुक्त होकर सुख और शांति से रहना चाहता है। इसीलिए अगर सभी संस्कार रहित होकर साम्य नीति के आदर्शों का सही ढंग से पालन करें तो सभी इस नीति को अपनाने के लिए बाध्य होंगे। साम्य नीति के अलावा जीने का कोई अन्य उपाय नहीं है। अतः सभी साम्य के पुजारी बनकर देश का काम करना चाहते हैं, लेकिन समता की स्थापना करने के लिए हर संस्कार के प्रभाव से मुक्त होना होगा। उस पर किसी भी दल का प्रभाव नहीं रहेगा। अगर किसी का प्रभाव होगा तो केवल तर्क और न्याय का। आकाश, वायु, जल, स्थल, हर स्थान पर एक सुर, एक छंद प्रवाहित है। प्रकृति के हर अणु परमाणु में एक मात्रा है, छंद और लय है। ये मात्रा, छंद और लय हमारे भी जीवन की धारा है। चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र सभी इस अनंत ब्रह्मांड में धारावाहिक रूप से एक सुर, एक मात्रा में चल रहे हैं। कुछ समय के लिए बेसुरे होकर भी सभी फिर से सुर और छंदों में लौट आते हैं।
हमारा जीवन भी तो छंदों से निर्मित है, छंद से च्युत होने पर नहीं चलेगा। इसीलिए हमारा जीवन आज भले ही बेसुरा हो गया हो, पर सुर और छंद में वापस अवश्य आएगा। मात्रा के लंघन से गाने वाले और तबला बजाने वाले दोनों में असामंजस्य पैदा हो जाता है, तब सुरलहरी बेसुर में चलने लगती है। सुर में ना आने तक दोनों असहाय से सम पर आने का प्रयास करते हैं। अंत में दोनों फिर से 16 मात्रा पर जाकर पहुंचते हैं। हमारे देश की भी आज यही परिस्थिति है और हर ओर बेसुर की आंधी चल रही है। सुर में पहुंचने तक ये चलती रहेगी, ये आंधी सुर में आने के लिए ही है। अंत में सभी सुर तक पहुंचेंगे। असुरों के कमजोर पड़ते ही सुर आकर स्थापित हो जाएगा। वो संग्राम के माध्यम से भी आ सकता है और प्रेम के माध्यम से भी। केवल साम्य नीति के द्वारा ही लोगों के दुखों को दूर करना संभव है। अतएव देश में इस नीति के अलावा अन्य कोई भी नीति नहीं रहेगी। आज हो या कल, देश में यही नीति स्थापित होगी। आज हर तरफ नीति के बदले भ्रष्टाचार और ईमानदारी के बदले बेईमानी चल रही है। जहां जीवन मार्ग के मतों और पंथों में कोई मेल नहीं, कोई संपर्क नहीं, ऐसे मतों की क्या सार्थकता है? ऐसे मत व्यर्थ है। आज हमारी कथनी और करनी में कोई मेल नहीं रहा। हर जगह केवल छल, कपट, षड्यंत्र और धोखेबाजी है। उन दिनों ऐसा नहीं था। वेदज्ञ समता के पुजारी होते थे। साम्य का आदर्श ही महान आदर्श है। वे निस्वार्थ भाव से अपने को उत्सर्ग कर देते थे। इसीलिए भारतवासी आज भी उनके सामने नतमस्तक है। जिस नीति में कोई वैषम्य ना हो, जो किसी दल के बारे में ना सोचे, कुछ भी मेरा ना रहे, जिस मत को सभी स्वीकार करें, वही ग्रहण योग्य है। जो नीति देश के सभी लोगों के बारे में सोचे, वही श्रेष्ठ नीति है। वेद के युग में पूरे देश में एक जाति, एक नीति और एक सुर प्रचलित था। उन दिनों सारा देश एक संयुक्त परिवार की तरह था। लोग पूरे देश को अपना घर और सभी देशवासियों को अपने भाई बहन मानकर काम करते थे। सभी के कामों को समान मर्यादा दी जाती थी। ऊंच नीच, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था। शिक्षा दीक्षा पर सबका समान अधिकार था। देश में कोई झगड़ा, विवाद, दलबंदी या सांप्रदायिकता नहीं थी। कोई समस्या नहीं थी। सर्वत्र एक समता की लहर, साम्य का सुर प्रवाहित होता। सभी एक सुर में बंधे थे। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, प्रकाश, जल और वायु आदि प्रकृति के कर्मचारियों की सेवा के नियम का अनुसरण करते हुए सभी अपनी कार्यधारा को नियंत्रित करते थे।
उस समय सबके लिए श्रमदान करना अनिवार्य था। सभी हर काम घर का काम मानकर करते थे। इस प्रकार समता और साम्य नीति का अनुसरण करने के कारण उन दिनों वर्गहीन तथा शोषणहीन समाज का गठन करना संभव हुआ था। आज फिर से समाज को उसी साम्य नीति के आधार पर सजाना होगा। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण, राम नारायण, अनंत नीले आकाश से ही इस जीव जगत की सृष्टि हुई है। उसी में समुचे विश्व को आश्रय मिला है। हमारा शरीर, मन, बुद्धि, विचार सब आकाश की तरह ही विस्तृत और उसी में स्थित है। इस एक आकाश में सब कुछ समसुर समनीति में बंधा सदा और गूंथा हुआ है। अतः आकाश की जो नीति है वही साम्य नीति जीव जगत की एकमात्र नीति होगी। यही स्वाभाविक है। प्रकृति के ज्ञान और सच्चे हितोपदेश द्वारा लोगों को समझाना आसान नहीं है। इसीलिए वेद के अनुसरणकारियों ने विभिन्न दृश्य उदाहरणों द्वारा इसके तत्व को समझाने की कोशिश की है। हमारे शास्त्रों में जिस राम और कृष्ण का स्मरण करने को कहा गया है वो दोनों ही सांवले रंग के आकाश के स्वरूप हैं, जिसका रंग अवर्णनीय है। इन्हीं राम और कृष्ण को स्मरण कर आकाश की साम्य नीति का अनुसरण करने की बात कही गई है। उन दिनों वेद के तत्वों को इसी तरह सबके समक्ष प्रस्तुत किया जाता था। मैं प्रकृति के स्वभाव से सर्वत्र एकता की धारा और एक होने का सुर देखता हूं। प्रकृति के नियमों को समझाना मुश्किल नहीं है। प्रकृति का मार्ग बिल्कुल सहज सरल है, पर लोग आज उस मार्ग से दूर हट चुके हैं, इसलिए परेशान है। आज सभी नीति भ्रष्ट हो चुकी है, इसीलिए समाज में झगड़ा, विवाद, हिंसा, मारपीट, दंगा बढ़ता ही जा रहा है। अधिकांश लोग भूखे पेट या आधे पेट खाकर ही दिन गुजार रहे हैं। आज अनेक लोग बाहर से देश प्रेमी महान अवतार दिखाई देते हैं, पर अंदर से वो अपने लोभ, आशा, आकांक्षाओं से जर्जरित हैं। इसी प्रकार सभी चरम परिणति की ओर अग्रसर हैं।
प्रकृति की यथार्थ साम्य के सुर का पता होने पर ऐसा नहीं होता। वो ना तो स्वयं भटकते, ना ही देश और समाज को भटकाते। यदि सभी प्रकृति मूल स्वर साम्य के स्वर के मार्ग पर चलते तो ये समाज रातों रात संयुक्त परिवार में बदल जाता। प्रकृति का ये मूल स्वर सबके अंदर है, केवल उस सुर को पहचान कर सभी को उस समता के स्वर साम्य की धारा में खींचकर ले जाना होगा। हम सभी एक ही मिट्टी की संतान हैं, एक ही चंद्रमा, सूर्य, गगन और पवन द्वारा हमारे शरीर और मन बने हैं, तो फिर हम मिल क्यों नहीं सकते? इस यथार्थ ज्ञान को यदि सभी सही रूप से समझने लगे तो कोई दलिया संप्रदाय नहीं रहेगा, कोई झगड़ा या विवाद नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं प्रकृति की साम्य नीति ही प्रत्येक मनुष्य के जीवन की मूल नीति हो। आज हर व्यक्ति जोर से कह रहा है, सबके लिए समान अधिकार चाहिए, साम्यवाद चाहिए, अमीरों को समाप्त करना होगा, शोषक वर्ग को सबक सिखाना होगा। चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन ये सब कार्य रूप में परिणत कहां हो पाता है? समाज की लगाम तो धनी और व्यवसायियों के हाथों में ही है, सब लोग उनके हाथों की कठपुतली हैं, वो जैसे नचाते हैं उसी प्रकार नाचते हैं। आज साम्यवाद केवल शून्य में घूंसे चलाने और दीवार पर लिखने तक सीमित होकर रह गया है। देश के लिए प्राणों का उत्सर्ग कर देश को बनाने वाले व्यक्ति बहुत कम दिखाई देते हैं। आज देश प्रेम का कोई स्पंदन कहीं नहीं मिलता। देश में सर्वत्र सिर्फ फ्रैक्शन या खंडित अंश की काट पीट देखने को मिलती है। देश में हर स्थान पर केवल हिंसा, द्वेष, अभाव, अभियोग, अत्याचार, अपमान, मारपीट चल रहा है। सर्वत्र एक बेसुरा भाव, बेसुरी चिंता और परम स्थिति व्याप्त है। आज देश में जो स्थिति है उसमें सर्वत्र फ्रैक्शन या खंडित अंश का खेल ही दिखाई देता है। गणित के हिसाब में अंत में मेल रहेगा ही, यही प्रकृति का नियम है। गणित का जो फ्रैक्शन है वहां जब कटे तब तक काटता ही जाता है, जब कटना खत्म हो तभी उसका फल निकलता है। आज हमारे देश की परिस्थिति भी यही है, सर्वत्र ही फ्रैक्शन की काट छांट चल रही है। इसीलिए तो देश में इतनी हिंसा, द्वेष, अभाव, अशांति है, इतनी विषमता, जाति और नीतियों की इतनी मिलावट, इतने झगड़े। विवादों से अशांति बढ़ेगी ही, कभी भी समाधान का सुर नहीं मिलेगा। फ्रैक्शन चल रहा है, चलता रहेगा। आपस में संघर्ष करते करते सारे दल और संप्रदाय समाप्त हो जाएंगे। चारों ओर सिर्फ टूटना और गढ़ना, फ्रैक्शन इसी तरह से चलता रहेगा। अंत में जब सभी एक होंगे, जब गणित का फल एक या पूर्णांक होगा, कोई पवित्र संगठन आकर समाज का गठन करेगा। जब साम्य का यथार्थ सुर जागेगा तब सभी ये समझेंगे कि सब एक हैं, कहीं कोई दल या संप्रदाय नहीं है।
सभी विवाद भूलकर सब एक हो जाएंगे। उस दिन कोई मत विरोध नहीं रहेगा। ये पूरा देश सबका घर बन जाएगा। सबके आचरण में समता का सुर बजेगा। पूरे देश में साम्य की लहर बहेगी। एकमात्र प्रकृति के आदर्शों पर चलने से ही वास्तविक साम्य नीति आएगी। पंचभूत की तरह सर्वत्र समता का सुर बहने लगेगा। उस दिन मनुष्य का आपस में हिंसा द्वेष नहीं रहेगा। तभी सुफल मिलेगा। गणित का सवाल हल होगा, आज हो या कल हो। देश में साम्य नीति की स्थापना होगी ही। इसी के आधार पर देश की सारी समस्याओं का हल होगा। समाधान का इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय दिखाई नहीं देता। त्याग द्वारा समाज में साम्य नीति की स्थापना का प्रयास करने पर सभी ऐसा करने वाले का समर्थन करेंगे। लोग यदि एक बार ये समझ लें कि जो कुछ भी है वो सबका है, सभी आम लोगों का उस पर समान अधिकार है, तो वो पल भर में जाग उठेंगे। पलक झपकते ही धनी और शोषक वर्ग को बहा ले जाएंगे। इसी तरह देश की सभी समस्याओं का समाधान होगा। तभी तो साम्य नीति का कहना है, शोषितों के साथ रहो, शोषकों का उच्छेद करो। राजनीति का खेल चाहे जितना चले, जब तक समाज में दोबारा महाकाश की महानीति, प्रकृति की साम्य नीति स्थापित नहीं होगी, तब तक दलों में बंटवारा, मतों में संकीर्णता और पदों में लोभ बना रहेगा। धीरे धीरे सभी श्रीहीन हो जाएंगे। विवाद और विच्छेद तो रहेगा ही। सभी अपने अपने दलों को लेकर, अपने अपने हिस्सों को लेकर मारामारी करते हुए धीरे धीरे हट जाएंगे। फिर किसी नए दल के हाथ में क्षमता आएगी। सत्ता पाने के लिए संघर्ष, मार दंगा इसी तरह चलता रहेगा। इसी प्रकार परिवर्तन होते होते धीरे धीरे साम्य का सुर स्थापित होगा। फिर दलों का बंटवारा, मतों और पदों को लेकर मारपीट नहीं होगी। तब पूरे देश में एक जाति, एक नीति, एक सुर होगा। सभी दलों और संप्रदायों से परे हटकर सब मिलकर साम्य की वंदना करेंगे। सब मिलकर बोलेंगे, राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण।